वेलकम बैक। आज हम क्लास 10 के लिए फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर शुरू कर रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक मैसेज देंगे कि सेशन 2020 और 21 में आपने देखा कि बोर्ड का एग्जाम कोरोना के चलते कैंसिल हो गया, और अभी जो अप्रैल का महीना है 2021, इसमें कोरोना का भयंकर लहर चल रही है, तो आने वाला समय जो है बहुत कष्टकारी है, एक आपदा का समय है, और इस आपदा की घड़ी में हमें अपने आप को यूजलेस नहीं रखना है। जो समय है आपके पास उसको जो है ना यूटिलाइज करना है, उसका फायदा उठाना है, और ये कभी नहीं देखना है कि हमारे एग्जाम नहीं होंगे। अगर ये कंटिन्यू कर गया फिर अगले बार साल भी यही सिचुएशन रहेंगे, लेकिन यहीं पर आपका जो है ना लाइफ स्टॉप तो नहीं हो गया ना, आपके लिए और मुश्किल की घड़ी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए इस आपदा में हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा और इसको हम सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए रियल नंबर में सबसे पहले जो टॉपिक आता है आपका एक्लूड डिवीजन लेमा, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रियल नंबर जो चैप्टर है आपका, इस रियल नंबर्स में एक्लूड डिवीजन लेमा, एक्लूड डिवीजन लेमा। अभी एक्लूड डिवीजन लेमा क्या होता है? एक्लूड डिवीजन लेमा का मतलब हुआ कि बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, कि दो नंबर्स है ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा बट लेस देन क्या बी होगा। हमने इस बोर्ड पर लिख दिया और आप समझ गए, ऐसी बात नहीं है। अब आपको यह समझना होगा कि ये क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, अगर हम कोई भी दो नंबर्स लेते हैं, कि अगर मान लीजिए कि हम 7 and 37 लिए और 7 से अगर हम 37 को डिवाइड करते हैं, यानी छोटा नंबर से बड़ा नंबर में डिवाइड करते हैं, तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उसको आप डिवाइडर यानी बी कहते हैं, और जिस नंबर में आप डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड यानी ए बोलते हैं। तो डिविडेंड को जब आप डिवाइडर से डिवाइड करेंगे तो निश्चित है कि यहां कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। यहां जो क्वेश्चन मिलता है उसी को क्यू, और जो यहां रिमाइंडर मिलता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ए किसको बोलते हैं? डिविडेंड को, जिसमें हम डिवाइड करते हैं, और बी किसको बोलते हैं? जिसके द्वारा हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडर को। कुछ क्वेश्चन कुछ रिमाइंडर मिलते हैं। एक स्टेटमेंट आप पहले से पढ़ते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है। और अगर हम इसको 37 को अगर हम इस तरह से डिवाइड कर दें 28, तो ये 9 बचता है, और 7 इंटू 4 28 प्लस 9 37 तो हो गया, बट फिर भी ये डिवीजन गलत हो गया। और इसी को अगर हम 7 से 37 को करते हैं 35, रिमाइंडर आप 2 लिखते हैं, तो ये डिवीजन सही हो गया। और यहां भी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बनता है। आखिर ये क्यों गलत? जब दोनों डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिखता है तो एक सही एक गलत क्यों हो जाता है? इसमें कंडीशनल है कि आपका जो ये रिमाइंडर है वो हमेशा बी से क्या यानी डिवाइडर से क्या छोटा होना चाहिए। जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जीरो से बड़ा कितना तक, इससे छोटा ही होगा। यानी हमेशा रिमाइंडर जो है
वो बीस से यानी डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, क्लियर। और इसी को हम एक्लूड डिवीजन लेमा करते हैं, और इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी किसको कहते हैं, बी जब हम लिखते हैं, अगर हम इसी को 37 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 2 लिखते हैं तो 5 का कोएफिशिएंट 7 है और 5 क्या है q है और ये क्या है b है, यानी q का जो कोएफिशिएंट है उसको हम b करते हैं। तो रिमाइंडर आपका हमेशा b से क्या छोटा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक्लूड डिवीजन लेमा को जब हम ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये भी हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एक्लूड डिवीजन लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, क्लियर। इसको हम एप्लीकेशन कहां करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहां है, इसका क्या अप्लाई होता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए देखिए कुछ क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा, मैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और एनसीईआरटी में मान लीजिए अभी मैं दो तीन क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करूं, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन था कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर आइदर लाई इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स क्यू। अगर आप 2q लिखते हैं या 2q प्लस 1 जो भी लिखते हैं, यहां क्यू का कोएफिशिएंट दोनों में क्या बी है, यानी डिवाइजर क्यू का कोएफिशिएंट बी है यानी 2 है, और इसीलिए रिमाइंडर बी से छोटा यानी 2 से छोटा होगा। और किस में हम डिवाइड करते, कोई नंबर तो होगा ना जिसमें 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो उस नंबर को आप ए मान लिए, तो क्या लिखेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर देन बाय एक्लूड्स डिवीजन लेमा, एक्लूड डिवीजन लेमा हम लोग क्या लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है वो 0 0 से बड़ा बट बी से क्या छोटा है। तो यहां बी क्या बना 2, तो ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर, और जब बी 2 बना तो रिमाइंडर क्या होगा 2 से छोटा 0 या 0 से बड़ा, यानी रिमाइंडर 0 और 1 होगा। अब हम रिमाइंडर मेरे पास है, अब हम इसको बारी बारी से वैल्यू पुट कर देते हैं 2q प्लस 0, और 2q में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो 2q जब आपने r 0 लिया और रिमाइंडर को अगर आप 1 लेंगे तो ये क्या आ जाता है 2q प्लस 1 जब आप r कितना 1 लेते हैं। तो ये देखिए ये दो नंबर हमको एग्जिस्ट किया, एक 2q और एक 2q प्लस 1, यानी रिमाइंडर जब 0 लिया गया तो ये 2q के फॉर्म में आया, जब 1 लिया गया तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो इस 0 और 1 में ये इवन है और ये ऑड है, इसीलिए कोई भी नंबर हो सकता है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो 2q भी हो सकता है 2q प्लस 1 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख दे कि सो कीजिए, अब एक क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि सो दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लाई इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर्स क्यू। अब बताइए क्लियर है कि बी क्या हो गया 4 हो गया, जब बी 4 हो गया तो रिमाइंडर 0 1 2 और 3 तक ही हो सकता है। जब ए इज इक्वल टू अब 4q प्लस 8, इसीलिए रिमाइंडर क्या 0 1 2 और 3 हुआ। अब a इज इक्वल टू 4q प्लस 0 यानी 4q, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब यहां पर आपने r 0 लिया, यहां r 1 लिए, यहां r 2 लिए, यहां r 3 लिए, ये जो आपके पास रिमाइंडर था इसमें 1 और 3 क्या है ऑड है। तो जब ऑड रिमाइंडर लिया गया तो किस किस फॉर्म में आता है 4q प्लस 1 4q प्लस 3। अगर यही लिख देगा कि इवन इंटीजर के फॉर्म में लाना है इवन में लिख सकता है कि 4q के फॉर्म में लाओ या 4q प्लस 2 के फॉर्म में लाओ, तो ये 0 क्या है एक इवन नंबर है, 2 भी क्या है एक इवन नंबर है। तो जब इवन लेते हैं तो किस फॉर्म में आता है
फोर क्यू और फोर क्यू प्लस टू के फॉर्म में। एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि सो दैट एवरी और पॉजिटिव इंटीजर्स लाई इन द फॉर्म ऑफ सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव। अब फिर यहां देखिए इसी क्वेश्चन में हम इसको समझ सकते हैं कि b क्या बन गया, सिक्स। अगर b सिक्स बना तो रिमाइंडर जीरो से लेके फाइव तक होगा, और इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं आप बताइए। जब जीरो लेंगे आप तो a इज इक्वल टू सिक्स क्यू, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस टू, सिक्स क्यू प्लस थ्री, a इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फोर, a इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फाइव। इसमें इवन कौन कौन है, वन है, थ्री है, फाइव है, यानी किस फॉर्म में आ गया। अगर और की बात करेंगे तो सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव होगा, और इवन की बात करेंगे तो सिक्स क्यू, सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस फोर के फॉर्म में आएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या बना सकते हैं, ठीक है। एक्लूड डिवीजन लेमा समझे। अब एक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, देखिए एक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम की बात जब होती है, एक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम में एक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसमें भी लेमा का हम किसी न किसी परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से थोड़ा बहुत यूज करते हैं, और इसका हम एक स्टेटमेंट क्या देंगे। अगर हमें कोई पहले पूछे कि एक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो एक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम एक टेक्निक होता है जिस टेक्निक के थ्रू हम किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर का क्या एचसीएफ निकालते हैं। तो आपके मन में आता होगा कि भाई एक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम में एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो ये कुछ खास नई बात नहीं। अभी जो हमने लेमा देखे हैं, लेमा में रिमाइंडर का कंडीशन आप देखे कि बी से छोटा होता है। प्रीवियस क्लास में हम जो है ना सिक्स सेवन सेम में भी हम बाय डिवीजन मेथड दो नंबर का, तीन नंबर का हम एचसीएफ निकालना डिवीजन मेथड से सीखे थे। तो मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया जो फोर फोर वन और फाइव क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, फोर फोर वन और फाइव सिक्स सेवन। अभी दोनों का आप एचसीएफ निकालो किस मेथड से, एक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देर के लिए छोड़ देता हूं, मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड एचसीएफ। तो हम लोग क्या करते हैं, जो दो नंबर होता है उसमें छोटा नंबर से आप बड़ा नंबर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वन जा फोर हंड्रेड फोर्टी वन, सिक्स टू वन, फोर फोर वन आ जाता है, थ्री जा आठ, थ्री सेवन ये सिक्सटी थ्री आ गया, वन ट्वेंटी सिक्स, वन ट्वेंटी सिक्स कट गया। अब इसी को आप लेमा के फॉर्म में लिख दीजिए। अब लेमा के फॉर्म में हम इसको कहते दिस इज ए, ये बी, ये क्यू और ये आर बचा, इसीलिए क्या लिखा जाएगा, फाइव हंड्रेड सिक्सटी सेवन इज इक्वल टू फोर हंड्रेड फोर्टी वन इंटू वन प्लस क्या वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स। फिर लिख सकते हैं सेकेंड ए क्या हो गया, फोर हंड्रेड फोर्टी वन इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्स इंटू थ्री प्लस सिक्सटी थ्री। फिर लिख सकते हैं 126 इज इक्वल टू 63 इंटू टू प्लस जीरो। तो जब ये लास्ट रिमाइंडर जीरो है, लास्ट रिमाइंडर जीरो है तो सेकेंड लास्ट रिमाइंडर 63 है। सेकेंड लास्ट रिमाइंडर जो होता है वो लास्ट डिवाइजर होता है, और लास्ट डिवाइजर जो होता है वही दोनों का एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है या जीसीडी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। अब बताइए इन दोनों का एचसीएफ कितना निकला, 63। तो इस तरह से आप समझे कि एक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम में हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहां 693 अब तीन नंबर दे दिया कुछ, तो तीन नंबर जब दिया होगा तो फर्स्ट सबसे छोटा नंबर और बीच का जो नंबर है उस दोनों का आप एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे अभी हम एचसीएफ कितना निकालेंगे, इन दोनों का 63 मिला, तो फर्स्ट दो का जो एचसीएफ आएगा उसको तीसरे के साथ करेंगे। तो फिर देखिए हम 63 को 693 के साथ करते हैं, 163 63 1 जा 63 डाइट कट गया।
अब यहां भी तो हम एब्सोल्यूट डिवीजन लिख सकते हैं ना, दिस इज ए बी क्यू और आर, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? नाउ दिस 693 इज इक्वल टू 63 इंटू 11 प्लस क्या जीरो। यहां जब ये रिमाइंडर जीरो आ गया तो निश्चित है कि यहां डिवाइडर क्या हो गया, कौन डिवाइड कर दिया 63। इस तरह से तीनों में देखिए 441, 567, 693 में कॉमन हाइएस्ट फैक्टर क्या बना 63। इसलिए इस दो का जो एचसीएफ आया था उसके साथ तीसरे को किए और उसमें जो कॉमन बना हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वही क्या हो गया एचसीएफ हो गया। इस तरह से हम क्या कहेंगे कि एचसीएफ 63 हो गया। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.1 जो है एनसीईआरटी का आप वो बना सकते हैं, रेफरेंस बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम अगले वीडियो में आपको इसके आगे के पोर्शन को फिर समझाएंगे और फिर आप बनाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, और आपको निश्चित है कि हम आशा करते हैं कि आपको बनाने में जरूर हेल्प होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ।